जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मैं सुदेश कुमार आर्य, बहुजन एक्टिविस्ट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, देश में चुनाव संपन्न हो चुका है। तमाम राजनीतिक दलों ने इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सा लिया। जिसको जन समर्थन मिला, वो उस देश की सत्ता पर पुनः काबिज हुआ। और जो लोग चुनाव हारे हैं या इनको जन समर्थन नहीं मिला देश का, वो लोग विपक्ष में बैठे और साथ में विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे। सरकार जो नई बनेगी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, बीजेपी सरकार, हम लोग ये कामना ही करते हैं कि जो बातें पिछले 5 साल में नहीं हुई मोदी सरकार द्वारा, शायद ही अगले 5 साल में जो उन्होंने बात कही है दोबारा से, शायद कर पाए। ये शुभकामनाएँ हैं उस सरकार को जो दोबारा बनने वाली देश में। और ख़ासकर अब बात आती है कि जो लोग हारे हैं, जो लोग चुनाव नहीं जीत पाए हैं, जो लोगों ने भरकस कोशिश की, कई तरह के प्रोग्राम बनाए, कई तरह के एजेंडे बनाए, प्लानिंग बनाई, और उसके बावजूद भी चुनाव हारे हैं, तो हम उस पर हम सभी को समीक्षा करनी चाहिए। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने चुनाव हारे हैं या चुनाव जीते हैं, वो डे फर्स्ट से ही अपना समीक्षा कर रहे हैं। पर हमें लगता है कि हर एक पार्टी समीक्षा करनी चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, महागठबंधन की बात करता हूं, तो जिस हिसाब से जो हम लोगों का अवलोकन था, जो हम लोग काम कर रहे थे, देख रहे थे, छोटे स्तर पर हमारा वजूद था उसमें एक कार्यकर्ता के तौर पे, तो हम उसमें देख रहे थे कि लोगों का हुजूम था, गठबंधन के प्रति लोगों में मोहब्बत थी, लोग चाहते थे गठबंधन जीते। पर मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन का जो पूरा स्वरूप था, वो जो बड़े पदाधिकारी हैं, खासकर जो जिला लेवल पे, कोऑर्डिनेटर लेवल पे, लोकसभा लेवल पे, वो लोग जमीन स्तर पर जो नीचे बैठे कार्यकर्ता हैं उन तक सही से, संयमता से, सही से, ईमानदारी से अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, ना उनको विश्वास में ले पाए। अगर वो सारा मिशन, सारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता अगर हमारा मजबूत होता, तो डेफिनेटली तस्वीर थोड़ी और बदली हुई नज़र आती। हम हर बार किसी ना किसी पे बातें थोप देते हैं। ये बात हो सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में छेड़छाड़ करके कुछ हद तक उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और किया होगा, क्योंकि सरकार सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को आतुर थी। मीडिया का इस तरह उन्होंने भरपूर प्रयोग किया, सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, तमाम तरह की चीज़ें की। तो ये सब जो सत्ताधारी दल है, जो विजयी हुआ है, ये उसकी USP थी, ये उसकी खासियत थी, जिसके बदौलत उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट देश में दोबारा लोगों का पाया है। अब बात आती है राजनीतिक दल जो हारे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल आज भी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। उन बहुजन समाज के लोगों को खुद जाके जागरूक होना पड़ेगा कि हम लोग हारे क्यों हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। अगर कोई भी घटना घटित हो जाती कहीं पर भी, तो कोई ना कोई उसमें या तो अपना इस्तीफा देता है या उसको हटाया जाता है, जांच कमेटी होती है। तो अभी तक ऐसा कोई भी सीन नहीं देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज की जो गठबंधन, महागठबंधन का था, उनमें कोई समीक्षा वाला काम नहीं हुआ। जातियों पे अगर हम बात करें, तो भारत में एक पार्टी जाति का नाम लेकर राजनीति कर रही है, लेकिन वो कहती हम जातिवाद नहीं करते। लेकिन जो पार्टियाँ वाकई में सामाजिक न्याय की बात करती थी, उनको जातिवादी घोषित कर दिया गया। तो देश में बीजेपी ने मीडिया का अच्छा प्रयोग किया, इसकी वजह से वो लोग आज सत्ता में हैं। हम लोगों को अब समीक्षा करने की आवश्यकता है। हम लोगों को अब अपने विषय में, अपने पार्टी के जो प्रदर्शन कमज़ोर रहा है, ख़राब रहा है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्या हम उन गांवों में अपनी बात तक पहुंचा पाए, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए कि गठबंधन का स्वरूप क्या है, गठबंधन क्यों बना है, गठबंधन का कौन कहाँ पे कैंडिडेट है, ये सब शायद बारीकी स्तर पर नहीं हुआ है, ग्रामीण स्तर पे नहीं हुआ है। जो लोग गठबंधन में समाजवादी पार्टी के समर्थक थे और उनका वहाँ पर कैंडिडेट नहीं था, या वहाँ पर गठबंधन के तहत BSP का गठबंधन कैंडिडेट था, तो उन तक ये बात नहीं कई लोगों तक पहुँच पाई कि गठबंधन हुआ है, गठबंधन किस लेवल पर है। तो कई जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कई जानकार लोग हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी को ढूंढते रहे, जब चिन्ह नहीं मिला तो उन्होंने हो सकता है कहीं और वोट भी दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं। साथ में जो गठबंधन का जो स्वरूप रहा, वो सिर्फ और सिर्फ 3 बिंदुओं पे केंद्रित रहा। पहला जाटव, दूसरा यादव, तीसरा मुस्लिम।
इन तीन बिंदुओं के अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि बड़े किसी आयाम में वोट दिया हुआ, क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करते हैं, 80 लोकसभा सीटों में हम 78 पे मजबूती साथ लड़े, रैलियों में मनमोहन जी के और जो अखिलेश यादव जी के रैलियों में जिस तरह से जन समर्थन था, वो पूरा भारत उस बात को गवाह था कि हाँ कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा, और होना भी चाहिए था, पर हुआ उसके उल्टा। हम लोगों ने देखा कि जातियों के हिसाब से 23% के आसपास दलित है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाटव के सिवाय हमने और ज़्यादा किसी जाति को संगठन में तवज्जो ना देने के कारण हमारी हार हुई। हमने देखा 13.5% के आसपास जाटव कम्युनिटी रहती है उत्तर प्रदेश में, जो बड़ी तादाद में बसपा का समर्थक है, वोटर है और उसका सपोर्टर भी है। उसके अलावा पासी, धोबी, खटीक, भंगी और तमाम ये जो छोटी जातियाँ डोम, ये तमाम ये छोटी जातियाँ जो उत्तर प्रदेश में रहती हैं, कोरी, तो ये इन जातियों को कोई तवज्जो शायद नहीं बड़े स्तर पर मिली या इन तक संपर्क नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये लोग छिटके। तो हमें लगता है कि लगभग 23% में से लगभग 8-9% वोट वही वोट बीजेपी को चला गया, जिनसे हम लोग संपर्क नहीं सही से आ पाए। अब हमने उस पर प्लानिंग नीचे वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नहीं की जातिगत गणना के हिसाब से। दूसरा, पिछड़ों की बात करें, लगभग 38-39% उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति रहती है और सबसे बड़े समूह के रूप में यादव जाति है, जो लगभग 11.5% के आसपास है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो वोट का रेशियो निकल के आया है गठबंधन का, बड़ी तादाद पर गठबंधन को वोट मिला है, 40 से 35, 40, 38, 45, 46% कई जगह 50-60% मिला जहाँ जीते हैं, तो हारने वाली जगह पे भी गठबंधन को 40-39% वोट मिला है। तो एक एवरेज निकल के आता है कि इन जातियों के अलावा इनका लगभग 22% वोट होता है दोनों जातियों को मिला के, और कुछ जातियों ने पिछड़े और कुछ दलितों ने भी वोट दिया होगा, तो ये हो जाता है लगभग आपका 28-27-28%। लेकिन मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया है इस गठबंधन को, और उस 18-19% जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है उसमें लगभग 15-14% मुसलमान वोट मिलने की वजह से स्थिति यह है कि हम लोग 40-42-41% वोट शेयर में उत्तर प्रदेश में गठबंधन का वोट शेयर रहा है। तो इसका मतलब हमें 26-25% पिछड़ों ने नहीं समर्थन दिया, या हमने उनको नहीं समझ पाया, हमने उनको नहीं साधा, इसकी वजह से हार हुई। बीजेपी ने बाखूबी इस गेम को खेला है, उन्होंने वहाँ राजभर, ओपी राजभर को साधा, निषाद को साधा, तमाम जो क्षेत्रीय दल थे, अनुप्रिया पटेल वगैरह, इन बड़ी गांवों को, केशव प्रसाद मौर्य, इन सभी जो जातियाँ पिछड़ों की थी, इन बड़ी जातियों, छोटी जातियों, इन ओबीसी जातियों को इन्होंने बखूबी पकड़ा और इसका सदुपयोग किया, इनका मान सम्मान दिखाया। इनके लगभग मैंने देखा 150 से ज़्यादा सम्मेलन हुए बीजेपी के पूरे उत्तर प्रदेश में, और जब इतने बड़े आयाम पर इतने बड़े प्रचारक के तौर प्रचार किया जाएगा तो निर्णय कुछ और ही होगा। उन्होंने देखा 2014 में अगर उनको 39% उत्तर प्रदेश में वोट शेयर मिला है, तो सपा बसपा का गठबंधन का अगर वोट शेयर उस समय के हिसाब से लगभग 41-42% हो जाता है, तो उन्होंने उसका तोड़ ढूंढा और NTA और जो दलित वोट और जो मुस्लिम वोट एकजुट होने की जो कवायद थी उसको देखते हुए उन्होंने लगभग 5-6% वोट का इंक्रीज किया, चाहे निर्दलीय को हटाया, चाहे निर्दलीय को बढ़ाया, चाहे परिवार में फूट डलवाई, तमाम ये घटनाएं करके उन्होंने लगभग 5-7% वोटों का इंक्रीज करके गठबंधन पर वोट्स शेयर के हिसाब से लग रहा है उन्होंने ये सारा गेम करके गठबंधन को हरा दिया। गठबंधन मजबूत था कागज़ों पर, गठबंधन मजबूत था रैलियों में। तो साथियों, आप हम सभी लोगों को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कमरों में बैठकर रणनीति बनाते हैं, परिवार के साथ, कुछ यार दोस्तों के साथ अपने टोलियां बनाकर पूरे संगठन को इकट्ठा कर लेते हैं, कोई भी ऐसी धुरी नहीं तैयार करते हैं जिससे सामाजिक न्याय की बात कही जाए। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए, पार्टी को समीक्षा के साथ साथ नए रिफॉर्म को तैयार करना चाहिए, पार्टी को जो हम धरने पर चले आ रहे हैं एक ही कि हम और कोई वो इसमें फ्रंट तैयार नहीं करेंगे, तो हमें लगता है हमें युवा फ्रंट तैयार करना चाहिए BSP का, हमें लगता है इसमें महिला विंग्स तैयार करनी चाहिए, किसान मोर्चे की बात होनी चाहिए,
मजदूर वर्ग फ्रंट होना चाहिए बीएसपी का, हमें लगता है कि वकीलों का एक, बुद्धिजीवियों का वर्ग का एक फ्रंट होना चाहिए इस पार्टी के अंदर, हमें लगता है कि एक व्यापारी वर्ग का भी पार्ट होना चाहिए बीएसपी व्यापार वर्ग का। तो ये जो तमाम जो संगठन अगर हमारे साथ राजनीतिक रूप से काम करेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे उस हमारे छत्रछाया के नीचे, तो निश्चित ही आपका हमारा आयाम बढ़ेगा, हमारी सोर्स बढ़ेगी। अगर हम लोगों ने कार्यकर्ता अभियान, सदस्यता अभियान को भी अगर नहीं अगर चला दें सही से, तो उससे भी कई लाख करोड़ लोग जुड़ेंगे। ये पार्टी का वर्कर बनेगा, ये पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। आप जिम्मेदारियां दीजिए निचले स्तर पर बड़ी, युवाओं की अगर भागीदारी अगर नहीं होगी इस आंदोलन में, तो निश्चित रूप से आने वाला 2022 भी बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम हमारे लिए नहीं ला सकता है। तो समीक्षा करने का वक्त है पार्टी को, हम सभी की समीक्षा होनी चाहिए, सभी लोगों की समीक्षा होनी चाहिए। हम जैसे छोटे पदाधिकारियों को अगर जो हमने काम किया थोड़ा बहुत भी, उसको देखना चाहिए पार्टी को। साथ में जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी, कई सालों से लगे पड़े हैं, वही पदाधिकारी वही चेहरे समाज को देखने को मिलते हैं, और कोई नया बड़ा पदाधिकारी बड़े पद पर कोई नया चेहरा नहीं आ पा रहा है, तो इसका भी खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा है। तमाम उत्तर प्रदेश के अलावा हमारा कहीं भी जनादेश नहीं है, जितने बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ पर सब कुछ सुविधाएँ हैं, सब कुछ नेतृत्व है, पर देखा जाए सारा संगठन है, पर वहाँ पर वोट शेयर हमारा श्रिंक होता जाता है, सुखड़ता जा रहा है। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, तमाम ऐसी जगह की समीक्षा होनी चाहिए बैठकर, और पब्लिक डोमेन में आके, लोगों के बीच में आके पब्लिक से बात करनी चाहिए। आंदोलन को अगर सक्रिय करना तो ज़मीन पे आना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर वो ज़मीनी आंदोलन नहीं शुरू करेगा तो आने वाले टाइम में हमारे लिए और बड़ा मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए। संविधान है नहीं है वो तो अब 5 साल में आप सभी को देखने को मिलेगा, लड़ाई जारी रहनी चाहिए। हमारा मानना है कि हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, तो हमें समीक्षा भी करनी चाहिए, और समीक्षा का दौर अब आ गया, और इसके साथ साथ और भी जो फ्रंट बना सकते हैं साथ में, उस मजबूती के लिए वो बनानी चाहिए। एक घर में एक पिलर से मजबूती नहीं आएगी, अगर 10 पिलर होंगे तो डेफिनेटली उस घर मकान में मजबूती आएगी। तो साथियों, मेरा यही वक्तव्य था कि मैं आप सभी की ये बात पहुँचाऊँ अपने वीडियो के माध्यम से, कि हमें समीक्षा करनी चाहिए, समीक्षा की मांग हो रही है, युवाओं में रोष है, उस युवाओं की रोष को समझना चाहिए। युवाओं ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और जो जिन्होंने जिनके पास जिम्मेदारी थी, अगर उन्होंने जिम्मेदारी बड़ी नहीं निभाई है तो उन पर कार्रवाई भी हो। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नवो बुद्धाय साथियों।